वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है एज यूजुअल। सो आज हम जाएंगे पावर हाउस शॉपिंग करने दशहरा और दिवाली का। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम निकलेंगे ऑटो में। हमारे साथ और दो आंटियाँ हैं और नवरात्रि का सामान जो पंडाल में चढ़ाएंगे वो भी हम खरीदेंगे वहीं पर। और ये रही मम्मी, रेडी हो रही है। ये रही मम्मी, रेडी हो रही है। सो गाइस, भी हम निकलेंगे 5-10 मिनट में। और मुझे अपने दशहरा और दिवाली के लिए ड्रेसेस भी लेना है और साथ ही साथ हम वहाँ का दुर्गा भी देखेंगे। आई थिंक टाइम रहेगा तो, क्योंकि जल्दी वापस आना है। और कल हमने हमारे घर के पास किया था और मैं पंचीलगा ईस्ट में रहती हूँ ना, तो आज हम जाएंगे वेस्ट, पंचीलगर वेस्ट, और वहाँ गरबा करेंगे वही। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में, एंड तक ज़रूर देखना और लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं वहाँ पे। हम लोग पहुंच गए हैं पावर हाउस और बहुत धूप पड़ रही है। और हमने एक दो दुकान में देखा लेकिन हमें पसंद नहीं आया, है ना, हमेशा की तरह हमारा हमेशा का चलता है। हम दो तीन दुकान घूमते हैं तभी अच्छा वाला मिलता है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारा फेवरेट दुकान जहाँ पर से हम लोग हमेशा लेते हैं, तो वहाँ जाते हैं हमने। वहीं पर अच्छा मिलता है, हम ऐसे ही देख रहे थे बाकी दुकान में, लेकिन वहीं अच्छा मिलता है तो हम वहाँ लेते हैं। गाइस, हमने आखिरकार शॉपिंग कर ली और ये रही मैंने दो ड्रेस ली है, दो या तीन जो मेरे पसंद है। और अब हम जा रहे हैं आंटी लोग को घूमने, हमारे साथ दो जन आए थे उनके साथ, फिर हमें बच्चे के लिए भी लेना है ड्रेस, तो मिलते हैं वहाँ। तो गाइस, हम लोग चप्पल लेने आए हैं। तो मम्मी ने ये वाला चप्पल पसंद किया है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम इसमें ब्लैक कलर ले रहे हैं। तो ऐसा पसंद आया, देख मम्मी ब्लैक सुंदर लग रहा है ना, और अच्छा है भैया, ब्लैक सुंदर है। बांध दे, नहीं वो डायमंड वाला तो नहीं ना, वो डायमंड वाला ही सुंदर लग रहा है, नरम बस। फिर नया लेना नहीं, नहीं मम्मी डायमंड वाला सुंदर लग रहा है भाई, ये सब सिंपल है, सिंपल वाला लेते ही अपन। मन है मैं डायमंड, ये नहीं 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 ये वो डायमंड वाला ये ठीक लग रहा है ना। हाँ, ये सबसे अच्छा लग रहा है, एकदम शाइनी है, अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग गाइस, आज हम जा रहे हैं कलश उठाने और हम सब रेडी हो चुके हैं। हाय बोला, हाय। तो हम लोग अभी कलश उठाएंगे और हम लोग
हाँ नहीं, हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो वहाँ मिलते हैं। शाम हो गई है और हम जा रहे हैं आरती में। आज सप्तमी है और कल अष्टमी, तो कल फिर पूजा वो सब होगा, तो कल का मैं अलग से निकालूंगी। तो आज अभी हम पूजा में जा रहे हैं और मेरी मम्मी का थोड़ा सा तबीयत खराब है, उनका हाथ पैर थोड़ा दर्द दे रहा है और थोड़ा गला भी पकड़ लिया, तो फिर भी वो थोड़ा आ रही है। अरे तबीयत खराब है ना, देखो। तो अभी हम जा रहे हैं आरती में, तो वो हम गाइस गुड मॉर्निंग। आज का आज अष्टमी है और अष्टमी का पूजा आज स्पेशल है थोड़ा, तो हम जा रहे हैं पूजा कर रहे हैं। और यहाँ देखो वाटर लिली है, रुको मैं दिखा। ये देखो वाटर लिली यहाँ पर,
कितना मस्त है ना यहाँ पे, रास्ते के बीच में ऑर्डर ले ली। चुकी है और हम जा रहे हैं, आज अष्टमी का भोग है तो हम अभी भोग लेने जाएंगे और पूजा के बाद आरती के बाद भोग मिलेगा, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। और आज थोड़ा हम लोग लेट हो गए तो वहीं मिलते हैं। भीड़ था, बहुत भीड़ था आज, और भोग पट रहा है। अब भगवान के प्रसाद के लिए तो सब आएंगे ही वैसे भी। और एक और चीज़, मैं थक गई आज खड़ी होके आरती में। मतलब 7 बजे शुरू हुआ आरती, आज अष्टमी का था ना तो थोड़ा लंबा ही रहता है, लेकिन फिर भी 7 बजे शुरू हुआ आरती, 8 बजे ख़त्म हुआ। और पता नहीं पंडित जी 1 घंटा वो, मतलब दुर्गा में थोड़ा सा नृत्य भी करते हैं ना, तो वो पता नहीं उनका पैर दर्द कितना दिया होगा, हमें इतना जोर से नाचे, ओ माय गॉड। और उनके साथ हमें भी आरती में तो खड़े होना ही चाहिए, तो हम भी थक गए। तो मैं बोली अब माता है तो माता के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो पूजा हो गया। 1 घंटा हुआ, हमेशा 30-40 मिनट होता है, लेकिन 30-40 मिनट भी बहुत होता है, लेकिन आज 1 घंटा मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो कोई नहीं, माता के लिए इतना हम कर ही सकते हैं। तो अब हो गया पूजा, उस आरती हो गई, उसके बाद भोग भी बट गया, भोग खा लिया हमने। और अभी बज रहे हैं 9:14 हो रहा है अभी, सो 11 बजे हम फिर जाएंगे, संधि है, संधि वाला, संधि पूजा, तो उसके लिए जाएंगे। तो 11 बजे फिर उसके बाद बाहा का पूजा का दिखाऊंगी मैं। और कल नवमी है तो कल का अलग पूजा है, तो फिर बहुत हमारी माता को विदा करेंगे हम, तो बड़े दुख के साथ, लेकिन कोई नहीं, हर साल आएंगी वो वापस। सो और उसके बाद हम, और बहुत मज़ा आया, और अभी मैं यहीं, अब मैं फिर वापस ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है इस ड्रेस में मुझे, सो मैं ये ड्रेस चेंज करूँगी। और उसके बाद फिर हम 11 बजे जाएंगे, तब मिलते हैं।